स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन हमने कुछ लिए हैं, इसका टॉपिक है हमारे पास 8.2। ठीक है, हमने कुछ क्वेश्चन भी लिए, इसको हम सॉल्व करेंगे और इसका हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सब्स्टिट्यूशन बेसिकली आप पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसके अंदर हम मज़ीद और पढ़ेंगे हम इस तरीके से कैसे एक एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट आपको हम कंसेप्ट पे बता चुके हैं कि एलिमिनेशन जो होती है हमारे पास, वो कोई वेरिएबल बताया जाता है और उसको ख़त्म करना होता है। इसका सिर्फ इतना ही कंसेप्ट है कि हमारे पास कोई वेरिएबल गिवन होता है उसके अंदर, और दो इक्वेशन दी जाती है और दोनों एक साइमल्टेनियसली वो हमारे पास इक्वल होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमारे पास मगर वो उनकी तरतीब आगे पीछे होती है, मगर वो होती सेम है। उसके अंदर से हमें सेपरेट करना होता है, यानी उसको सॉरी उसके अंदर से हमें एलिमिनेट करना होता है, ख़त्म करना होता है। ठीक है ना, अब जैसे अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाए, जैसे हम लिखेंगे हमारे पास ये क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है ये। ठीक है, अब इसको हम अगर एलिमिनेट करना चाहें, ए को हम किस तरीके से करेंगे, ए को सेपरेट करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर ए को जब सेपरेट करेंगे, आइसोलेट करने के बाद ए क्यू ए की जो सार ए की लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ए की जगह मैं कह रहा हूँ मेरे पास थ्री है, थ्री बराबर ए के। ठीक है ना, अब मेरे पास कोई इक्वेशन लिखी हुई है 2 3 a बराबर है 5 के। ठीक है स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पे 3 a बराबर है 2x+5। ठीक है, अब ये जो a स्टूडेंट्स, मुझे a ख़त्म करना है, तो मैं क्या करूँगा, a a को सेपरेट कर लूँगा। ठीक है, और किस मेथड से करेंगे वो भी हम देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। फिर इस a की जगह 3 लिख दूंगा मेरे पास ऑटोमेटिक, यहाँ से भी a ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से भी a ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके हम लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर भी हम देखेंगे ए की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, हम इसमें से निकालें ए की वैल्यू या इसमें से निकालें, बात एक ही है, जिसमें चाहे आपको आसानी हो। तो मेरी नज़र में इसमें से निकालना आसान है, क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सारी वैल्यू सिर्फ उधर एडिटिव इन्वर्स का ऐड करेंगे तो उधर शिफ्ट हो जाएगी। फिर ये जो ए की वैल्यू बनेगी, इसकी जगह जो ए आएगा उस पर हम लगा देंगे और वो ए हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, देखिए इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, 2ab, और इसका क्या होगा हमारे पास -1। ठीक है, तो इधर भी ऐड करेंगे यही चीज़ जो हमने इधर ऐड करी है, तो हमारे पास बी सॉरी एक दफ़ा लिख लिया और हमारे पास -1। तो देखिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये इधर आ जाएगा, तो ए की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ गई, 2b-1। ठीक है स्क्वेयर, अब क्या लिखेंगे, 2 की जगह ए की जगह हम ये वाली लिख देंगे बी। ठीक है, -1। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमारे पास ये किसके 3b-5=0। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने इसको एलिमिनेट कर लिया है, सिर्फ हमें इसमें एलिमिनेट करना होता है और कुछ नहीं करना होता इससे ज़्यादा। अगर इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें तो ये हमारे पास हो जाएगा 4, और हमारे पास ये +3b-5=0। ठीक है स्टूडेंट्स, बस इसका इतना ही कंसेप्ट, इतना ही इसको हम सॉल्व करेंगे, इससे ज़्यादा मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ ए एलिमिनेट करना था, वो हमने कर दिया। ठीक है, तो ये नहीं है कि आप इसको पूरा ही सॉल्व करने लग जाएं, आपकी मर्ज़ी, अगर आप सॉल्व करना चाहें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। भाई इसमें जो हमें क्वेश्चन में कहा था कि इसको एलिमिनेट करनी है, ए को एलिमिनेट कर लिया है, सॉल्व कैसे होगा वो आप पिछले लेक्चर्स में अलजबरा में थोरली पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हम उसको फैक्टराइज करके या किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी चीज़ें वही है, सिर्फ इसमें एलिमिनेट समझना होता है कि हमें एलिमिनेट हमने किसी वेरिएबल को कैसे करना है। ठीक है, मज़ीद सॉल्व बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं, हमारे पास एक और क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर भी हमें वही करना है कि ए हमारे पास जो है उसको सेपरेट करना है, सॉरी उसको एलिमिनेट करना है, यानी ख़त्म करना है। एलिमिनेट का मतलब यही होता है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, हमारे पास किसी भी एक वैल्यू के अंदर से हम ए सेपरेट कर लेंगे। ठीक है ना, फिर ए की जो वाली वैल्यू जो ए जिसके बराबर होगा, जिस वैल्यू के, वो वैल्यू हम दूसरी इक्वेशन में लिख देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए हमारे पास ए सेपरेट करना आसान है, इसमें आपकी मर्जी है, ज़रूरी नहीं है कि आप पहली वाली में से ए सेपरेट करो, आपका जो जी लाए, आपका जो दिल करे, आप किसी भी कोइन में आप ए सेपरेट कर लो, या जो भी आपको वेरिएबल बताया वो सेपरेट करना वो कर लो। अब देखिए मैं हमारे पास है -b=c, इसका एडिटिव इन्वर्स बोथ साइड पे ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये किस सेकेंड में, तो ए बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स में, ए बराबर है हमारे पास सी के, तो मैं पहले बी लिख लेता हूँ, बात एक ही, ताकि हमारे पास ए बी सी ऑर्डर में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखिए हमने कुछ सॉल्व कर लिया, अब क्या करेंगे, देखिए हमारे पास ए स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है बी स्क्वायर, ठीक है, और हमारे पास इक्वल टू 0। ठीक स्टूडेंट्स, अब क्या करूँगा मैं, ए की जगह कौन सी वैल्यू लिखूंगा स्टूडेंट्स, ए की जगह ये वाली वैल्यू लिख दूंगा। ठीक है, अब ये स्क्वायर 1 बना लो, 2 बना लो, जो आपका दिल करे आप इसको इक्वल 2 कह लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसमें कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, सिर्फ बात ये है।
प्लस सी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक के बराबर थी, हमने एक ही जगह लिख दिया, अब एक के ऊपर स्क्वायर तो इसका होल स्क्वायर भी लिखेंगे, ठीक है स्क्वायर, और प्लस हमारे पास किसके बराबर है, बी इक्वल टू जीरो। तो देखिए स्क्वायर हमने इसको एलिमिनेट कर लिया किस तरीके से, अगर आप इससे ज़्यादा अगर आप सोल्व करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला, इसको मजीद सोल्व कर सकते हैं, तो आपके ऊपर है, ठीक है ना स्क्वायर। तो हमने इसको सोल्व कर लिया, ठीक है, हमने ए जो था वो हमने ख़त्म कर दिया इसके अंदर से, अब आपको ए नज़र नहीं आ रहा है इस क्वेन में, ये हमारे पास इसमें से ख़त्म हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं, हमारे पास कुछ और क्वेश्चन ले लिए, ठीक है, हमने चार क्वेश्चन लिए बेसिकली, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और क्वेश्चन लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हमें तीन क्वेश्चन लिए, इसको हम देखिए कैसे सोल्व करते हैं, हमारे पास ये दोनों एक क्वेश्चन बराबर ही हैं, ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमारे पास जो है, अगर मैं इधर दोनों में जो टी इधर लगा हुआ है, अगर मैं इसमें टी लगा हुआ था, सॉरी मैं लगाना भूल गया, अगर टी इधर सेपरेट कर लूँ और इधर भी सेपरेट कर लूँ, तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, एक टी की इस तरफ जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास टी टी बराबर है इसके अंदर, ठीक है ना, हमारे पास दोनों इक्वल है, मगर इक्वल है मगर लिखी हुई अलग अलग है, ठीक है ना इसको। अब हमें इसके अंदर से एलिमिनेट क्या करना है, स्टूडेंट्स हमारे पास एलिमिनेट जो करना है हमें टी करना है, तो अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक में से हम टी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना, फिर उस टी की वैल्यू दूसरे टी की वैल्यू की जगह पुट करेंगे, तो टी हमारे पास ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास वाई बराबर है टू और हमारे पास फाइव और मल्टीप्लाई क्या हो रहा है हमारे पास टी, तो इसका एडिटिव इन्वर्स हमारे पास क्या होगा टी का, अगर टी को हम सेपरेट करना चाहें स्टूडेंट्स, या टी को सेपरेट नहीं करते स्टूडेंट्स, हम किसको सेपरेट करेंगे, टी को सेपरेट करेंगे, तो हमें क्या शिफ्ट करना पड़ेगा टू ओवर फाइव। अब इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, हमारे पास ये होगा टू, यानी इसका रेसिप्रोकेट होता है, ये बात याद रखिएगा, किसी भी या दूसरे चैप्टर में सारी चीज़ें थोड़ी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, इधर भी हम मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका रेसिप्रोकेट जो होगा यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास जो है फाइव फाइव से कैंसिल, टू टू से कैंसिल, ठीक है, अब हमारे पास इधर सिर्फ क्या बचा है, देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया फाइव ओवर टू और हमारे पास वाई इक्वल टू टी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, सिंपली देखिए एक्स की जगह हम क्या करेंगे, एक्स इधर हमारे पास एक्स है वन ओवर टू और टी की जगह स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वाई, ठीक है, और फाइव ओवर टू, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखिए अब हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा, सॉरी वन इनसे मल्टीप्लाई होकर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, और टू टू ज़ा फोर। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई किया, और अगर इसको आप दूसरे तरीके से, अभी हमने क्या किया था वाई के अंदर टी को सेपरेट किया था, ठीक है स्टूडेंट्स, शायद आपके बुक में दूसरा आंसर हो, यानी वो होगा तो सेम, अभी हमारे पास एक्स और ये वाई आया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, सिंपली अगर इसमें देखिए इसके अंदर हम एक और काम कर सकते हैं, ये देखिए फोर ओवर वन और हमारे पास इधर भी फोर ओवर वन, देखिए फोर फोर से कैंसिल, ठीक है, अब हमारे पास क्या राइट साइड लेफ्ट साइड पे क्या आ गया फोर एक्स। अब इसका एडिटिव इन्वर्स बोथ साइड पे ऐड करेंगे, जो कि हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है माइनस फोर एक्स, तो माइनस फोर एक्स, ठीक है, फोर फोर से कैंसिल, जीरो बचा, वन नहीं बचेगा, जीरो बचेगा क्योंकि माइनस हुआ है, ठीक है, तो हमारे पास जीरो बराबर किसके आ गया स्टूडेंट फोर, हमारे पास बराबर आ गया फोर एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा ये बात देखिए कि आपके पास शायद ऐसा हो कि आपके पास फाइव वाई माइनस आ रहा हो फोर एक्स में से, तो स्टूडेंट्स जब भी हमारे पास दोनों ये वाली माइनस हो ये वाली माइनस हो बात देखिए क्यों, क्योंकि देखिए अगर मैं टू माइनस टू लिखता हूँ या मैं इस वाले टू को इधर लिखता हूँ तो हमारे पास उधर तो जीरो ही बचेगा, यानी इसको आप समझ लीजिए ये हमारे पास फाइव और ये भी फाइव है, अब फाइव को मैं इधर से माइनस करूँ इधर से करूँ तो हमारे पास बचना तो जीरो ही है, ये दोनों जो है ना हमारे पास वाई और फाइव वाई फाइव और फोर एक्स ये दोनों इक्वल है हमारे पास, जब भी हमारे पास जब दोनों इक्वल होते हैं तो दोनों में आपस में से कैंसिल आउट होंगे तो हमारे पास जीरो ही बचता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये था इसका फाइनल आंसर, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं।